हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी डॉट कॉम में आप सबका स्वागत है। पिछले तीन वीडियोस में हमने पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा संघ हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो अपना संघ है प्राणी जगत का, एनिमल किंगडम का, वो है प्लेटी हेलमंथीज। देखो, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी सभी के नाम से उनका एक मैन कैरेक्टर निकाला है, वैसे इनमें भी ये जो प्लेटी हेलमंथीज है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है प्लेटी और दूसरा है हेलमंथीज। देखो, प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट, हिंदी में इसे कहें चपटे, और हेलमिंथ्स मतलब होता है वॉर्म्स, यानी कि कृमि। तो इसके नाम से ही जाहिर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये चपटे कृमि कहलाते हैं। इन्हें साधारण भाषा में फ्लैट वॉर्म्स या चपटे कृमि कहते हैं, प्लेटी हेलमंथीज को। चपटे कृमि क्यों कहा है, उसके पीछे भी कारण है। क्यों? क्योंकि ये चपटे होते हैं, चपटे भी बड़े विशेष तरीके से। ये पृष्ठ अधर से चपटे होते हैं। पृष्ठ अधर से मतलब, जैसे मान लीजिए ये कोई जीव है, तो चपटे दो तरीके से कोई जीव हो सकता है। या तो वो साइडों से यूं हो, ठीक है, साइड से, अगर उसके पार्श्व से, उसके जो लेटरल साइड से अगर वहाँ से उसे दबाया जाए तो वो कुछ इस तरह चपटा होगा, जैसे हाथ है इस तरह चपटा होगा, क्योंकि इधर दोनों तरफ से इसे दबा दिया गया। लेकिन अगर ऊपर और नीचे से, पृष्ठ भाग से और अधर भाग से किसी दबाया जाए किसी चीज़ को, तो वो कुछ इस तरह से चपटा होगा। तो इनका शरीर जो है पृष्ठ और अधर भाग से चपटा होता है, ध्यान रखना है। वो साइडों से लेटरली कभी भी चपटा नहीं होता, फ्लैट नहीं होता, पृष्ठ और अधर भाग से चपटा ये होते हैं। यानी कि इनके पृष्ठ भाग से और अधर भाग से जैसे इनको प्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया हो, ऐसे ये चपटे होते हैं। पृष्ठ अधर से ये चपटे होते हैं। तो इनके नाम से ही ये कैरेक्टर निकला, जो इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि ये पृष्ठ अधर से चपटे होते हैं। दूसरा, इन्हें एक नाम दिया कृमि, यानी कि रोग करने वाले, वॉर्म्स जो हमें रोग फैला रहे हैं उसके लिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये अधिकांश जीव जो है वो परजीवी होते हैं। अधिकांश जीव जो है वो कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। इस वर्ग के जो मैक्सिमम एनिमल्स जो है वो परजीवी मिलेंगे, और परजीवी में भी ज़्यादातर अंतः है परजीवी, शरीर के भीतर वाले परजीवी, मनुष्य में या और जानवरों में ये परजीवी की तरह रहते हैं, इसलिए इन्हें कृमि नाम दे दिया गया। तो इनके नाम से ही इनके दो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर सामने आ रहे हैं, क्या कि ये पृष्ठ अधर से चपटे होते हैं और परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर रोग पैदा कर रहे हैं, उन्हें नुकसान कर रहे हैं, इसलिए परजीवी है, और इसीलिए इनका नाम दे दिया गया चपटे कृमि, फ्लैट वॉर्म, और उसी से बना प्लेटी हेलमंथीज। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इसके आवास की, स्वभाव और आवास की। तो आवास, चूंकि अधिकांश परजीवी है तो श्योर है किसी जीव में ही होंगे, तो ये भी एक आवास का प्रकार हो गया। तो ये कैसे आवास जो है वो परजीवी होंगे, ये या तो मनुष्य में या अन्य जीवों के भीतर रहते हैं, जीवों पर रहते हैं, मनुष्य या जीवों पर ये ऊपर भी हो सकते हैं या उनके अंदर भी हो सकते हैं। और परजीवी जब ऊपर होते हैं तो उसे कहते हैं एक्सोपैरासाइट, या हिंदी में कहें बाह्य परजीवी, और अगर शरीर के भीतर होते हैं तो उसे एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट को हिंदी में कहा जाता है अंतः परजीवी। ज़्यादातर जो इस संघ के जीव हैं वो जीवों के भीतर रहना पसंद करते हैं, अंतः परजीवी होते हैं अधिकांशतः, लेकिन सभी जीव परजीवी नहीं होते हैं। कुछ जीव, ये हम बात कर रहे हैं आवास की और स्वभाव की, कुछ जीव जो है वो जलीय भी होते हैं, जल में भी रहने वाले हैं, यानी कि ये परजीवी नहीं होते, जल पर रहते हैं और स्वतंत्र जीवी होते हैं।
जल में रहेंगे तो श्योर है स्वतंत्र जीवी है, अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं तो वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है इसका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बहुत अच्छा उदाहरण है इस संघ का। प्लेनेरिया आपको याद रखना ही रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। फ्लैटी एलिमेंट्स के अधिकांश जीव जो है वो परजीवी है, लेकिन एक जो आपको याद रखना है जो परजीवी नहीं है वो है प्लेनेरिया, जो स्वतंत्र जीवी होता है, जल में पाया जाता है, स्वच्छ जल में हो सकते हैं या लवणीय जल में ये हो सकते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया स्वच्छ जल में पाया जाने वाला है और बहुत सारे हैं जो लवणीय जल में भी हैं, तो कुल मिला के जलीय ये जीव होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम, अधिकांश जो है वो तो परजीवी ही होते हैं। ये हमने आवास की बात की, आवास के बाद में हम क्या बात करते हैं उसके वर्गीकरण के आधारों की। तो सबसे पहले इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो अब यह यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बढ़ गया। हमने पोरीफेरा में पढ़ा कोशिकीय, फिर हमने सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पढ़ा उत्तक स्तर का, और उसके बाद में प्लेटी एलमंथीज में अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है प्लेटी एलमंथीज में? अंग स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन होता है, ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना चुकी है और उत्तक भी मिलकर अंग बना चुके हैं, लेकिन अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण नहीं करते हैं, पूर्ण तंत्रों का विकास यहाँ नहीं हुआ है, केवल अंग है। बात करें ये जीव जो है वो त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय या इसका दूसरा नाम त्रिकोर की, इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये। यानी कि इनका शरीर का निर्माण तीनों जनन स्तरों से होता है। तीन जनन स्तर कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, दूसरा बीच में जो है वो मीजोडर्म, और तीसरा है एंडोडर्म। तो इन तीनों जनन स्तरों से इनके शरीर का निर्माण होता है। तो इनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का, और ये सभी जीव त्रिस्तरीय या त्रिकोर की होते हैं। यानी कि शरीर का निर्माण एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों से मिलकर होता है, तीनों ही अंगों का निर्माण करते हैं त्रिस्तरीय। बात करें इनमें सममिति किस प्रकार की होती है, सिमेट्री कैसी होती है, तो यहाँ इससे पहले हमने पढ़ा या तो सममिति होती नहीं, होती है तो अरीय होती है, लेकिन यहाँ सममिति का लेवल और बढ़ गया, यहाँ द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति जिसे कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री, इनमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार सममिति पाई जाती है। यानी कि एक निश्चित अक्ष से इन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो अंग स्तर का शारीरिक संगठन त्रिस्तरीय है, द्विपार सममिति इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें इनमें देह गुहा, तो ये अगुहीय जंतु होते हैं, अगुहीय यानी कि एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। यहाँ मीजोडर्म तो बनती है, लेकिन मीजोडर्म जो है वो कोशिकाओं से पूर्णतः भरी हुई होती है, इस वजह से उनमें गुहा नहीं पाई जाती। एक कारण ये भी है कि ये चपटे हैं, दबे हुए हैं पृष्ठ और अधर से, तो उनमें बीच की खाली जगह होना ही संभव नहीं है, इसलिए ये कैसे हो गए, अगुहीय होते हैं, एसिलोमेट्स ये एनिमल्स होते हैं। इनमें बात करें खंडी भवन की, सेगमेंटेशन की, खंडी भवन, तो मोस्टली इनमें खंडी भवन नहीं होता, नहीं पाया जाता, लेकिन जो टीनिया जो एनिमल है जिसे फीता क्रमी कहते हैं, टीनिया में जो है कूट खंडी भवन पाया जाता है, उनमें कूट स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है, कूट खंडी भवन इनमें पाया जाता है, कूट खंडी भवन पाया जाता है किसमें, टीनिया में, वो स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म में उनमें पाया जाता है टीनिया में। अधिकांश में जैसे फेसियोला, लीवर, फ्लूक जो है ये प्लेनेरिया है, इनमें खंडी भवन नहीं पाया जाता है। तो ये हमने वर्गीकरण के आधार देखे। इसके अलावा नोटोकोड जो है, तो श्योर है सभी जो है ये जीव अधिकांश जो है वो कैसे होते हैं, नोटोकोड रहित होते हैं, तो इसमें भी नोटोकोड नहीं होती,
क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स हम पढ़ रहे हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड होना संभव है ही नहीं। तो हमने ये वर्गीकरण के सारे आधार पढ़े, ठीक है। अंग स्तर का शारीरिक संगठन त्रिकोरकी होते हैं, द्विपार सममिति इनमें पाई जाती है, सिलोम इनमें होती नहीं है, खंडी भवन इनमें भी नहीं होता, लेकिन टीनिया में स्यूडो सेगमेंटेशन होता है, स्यूडो मेटामेरिज्म इसमें होता है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद में हम किसकी, उसकी फिजियोलॉजी की, उसके सारे तंत्रों की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें पाचन की, सबसे पहले इनमें बात करें पाचन कैसे क्या होता है, पाचन तंत्र इनमें होता है कि नहीं, तो इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र उपस्थित होता है। इनमें आहार नाल जो है वो अपूर्ण आहार नाल होती है, अपूर्ण आहार नाल इनमें पाई जाती है। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें मुख तो पाया जाता है, मुख पाया जाता है, लेकिन गुदा जो होती है, एनस जो है, अपचित भोजन को बाहर करने वाला जो द्वार है वो नहीं पाया जाता। मुख भोजन निगलने के लिए इनमें मुख होता है, लेकिन भोजन को, अपचित भोजन को बाहर करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं होती, कोई द्वार नहीं होता, यानी कि इनमें गुदा नहीं होती, इसीलिए अपूर्ण आहार नाल, अपूर्ण पाचन तंत्र इसे कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं टीनिया, यहाँ एक और अपवाद है, इसमें एक वर्ग है जिसका नाम है सेस्टोडा, पाचन तंत्र की ही हम बात कर रहे हैं, इसका एक वर्ग है सबसे अंतिम तीसरा सेस्टोडा, इस सेस्टोडा वर्ग में ही आता है टीनिया, इस टीनिया में आहार नाल होती ही नहीं है, आहार नाल नहीं होती, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो सेस्टोडा वर्ग या उसका एक एग्जांपल टीनिया, टीनिया में आहार नाल नहीं पाई जाती। तो ये हमने पाचन की बात की, इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो अपूर्ण होता है, आहार नाल होती है लेकिन वो अपूर्ण होती है, क्यों, क्योंकि मुख तो पाया जाता है लेकिन गुदा नहीं होती, एनस नहीं होती जो अपचित भोजन को बाहर करेगा। टीनिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आहार नाल होती ही नहीं है, सेस्टोडा वर्ग में आहार नाल होती ही नहीं है। ये हमने पाचन की बात की। नेक्स्ट बात करें इनमें श्वसन की, तो इनमें श्वसन तंत्र भी नहीं होता, इनमें श्वसन तंत्र एब्सेंट होता है, इनमें किसी तरह का कोई श्वसन अंग नहीं पाया जाता। अब प्रश्न ये आता है जब श्वसन अंग है ही नहीं तो ये श्वसन करते कैसे हैं, तो ये श्वसन जो है अपनी सतह से ही करते हैं, किससे, इनकी जो सतह है उसी शरीर की सतह से ही ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। लेकिन चूंकि ज़्यादातर जीव यहाँ परजीवी है, तो यहाँ एक और चीज़ यहाँ है कि बहुत सारे जो परजीवी जो शरीर के भीतर वाले हैं, जो एंडो पैरासाइट जो है, जो अंतः परजीवी हैं, वो तो अवायवीय श्वसन करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस लेते ही नहीं है। जब ऑक्सीजन गैस लेते ही नहीं है तो उन्हें श्वसन तंत्र या श्वसन अंग की क्या आवश्यकता होगी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जब श्वसन ये कर ही नहीं रहे तो श्वसन जो है अंगों की भी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इनमें श्वसन अंग नहीं होते हैं। और कुछ जो बाह्य परजीवी होते हैं या स्वतंत्र जीवी होते हैं वो अपनी सतह से ही श्वसन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने पाचन और श्वसन की बात की, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसे या नोट कीजिए, इसके बाद हम इसे मिटाएंगे और इसे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने तंत्रों में, इनके फिजियोलॉजी में पाचन पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया, अब बात करते हैं इनमें कंकाल की, कि क्या इनमें कंकाल तंत्र होता है। तो इनमें जो है क्यूटिकल का कंकाल होता है ज़्यादातर परजीवी जो होते हैं, क्यूटिकल का मोटा आवरण इन पर पाया जाता है, तो इन पे क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। और इससे फायदा क्या होगा, जो परजीवी जो है उन परजीवी की रक्षा में ये सहायता करेगा। मान लीजिए आप, आपकी आंत में, मेरी आंत में, मान लीजिए आप अपनी क्यों मानते हो, मान लीजिए मेरी आंत में ये परजीवी है,
तो मेरी आंत में बहुत सारे एंजाइम इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारा हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे खत्म करने का प्रयास करेगा, या भोजन के साथ जो है ये जो है किसी तरीके से पच सकते हैं। इसीलिए इनके शरीर के ऊपर मोटा आवरण पाया जाता है क्यूटिकल का, जो इन्हें वो जो होस्ट जो होगा, जो पोषद जो होता है, होस्ट जो होता है उसके एंजाइमों से, उसके प्रतिरक्षा तंत्र से उसे बचा के रखता है इस परजीवी को। तो ये जो क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाना एक परजीवी लक्षण है, एक परजीवी अनुकूलन है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का परजीवी अनुकूलन है। इससे पहले हमने एक और परजीवी अनुकूलन पढ़ा इनमें, कि ये अवायवीय श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते ही नहीं है श्वसन के लिए, ये भी एक प्रकार का परजीवी अनुकूलन ही है। बात करें नेक्स्ट, इनमें जो है एक और परजीवी अनुकूलन, जो इनका एक विशेष कैरेक्टर भी है, कि इनमें पोषी जो होस्ट जो होता है उस होस्ट से चिपकने के लिए होस्ट से उसकी आंत में या उसकी जो आंतरिक अंग है उस पे चिपकने के लिए इनमें हुक जैसी संरचना होती है, या फिर उनमें एक शकर जैसी संरचना, शकर को हम कहते हैं हिंदी में चूषक जैसी संरचना इनमें पाई जाती है। हुक को कहते हैं अंकुश नुमा संरचना, ठीक है। हुक जो होता है यूं तिरछा कोशिक ये जो है अंगों पर यूं अटका रहेगा, ताकि ये जो बहाव है हमारा किसी तरीके से उसके साथ बाहर न निकल जाए, या फिर शक्कर की सहायता से उसको अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा। और चूषक का इसके अलावा एक और कार्य है, ये भोजन अवशोषण में भी सहायता करता है, ये भोजन अवशोषण में भी सहायता करता है। ये परपोषी के भीतर जो पचित भोजन है उसको इन चूषकों की सहायता से अवशोषित करते हैं। ध्यान रखना है भोजन अवशोषण के लिए इनमें बहुत सारे जीव तो अपनी सतह से ही, जैसे टीनिया जो है वो अपनी सतह से ही भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। जैसे टीनिया, ये टीनिया अपनी जो उसकी शारीरिक सतह है उस सतह से ही पोषण से भोजन का अवशोषण करता रहता है। तो हमने यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो इनके परजीवी अनुकूलन है उसको हमने डिस्कस किया, कि इनमें क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है, होस्ट से चिपकने के लिए हुक या शकर जैसी संरचनाएं पाई जाती है, किसी में हुक होगा किसी में शकर होगा, या हो सकता है दोनों संरचनाएं पाई जाए, ये अलग अलग जीव में अलग अलग होता है। या फिर भोजन अवशोषण करने के लिए अपनी सतह से ही भोजन का अवशोषण ये करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इनके परिसंचरण तंत्र, तो इनमें परिसंचरण तंत्र बिल्कुल एब्सेंट होता है, किसी तरह का कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें इनके तंत्रिका तंत्र की, तो इनमें तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा सिलेंटेटा में भी था, थोड़ा बहुत शुरुआत हुई, टीनोफोरा में भी कोशिकाएं जो है विस्तृत रूप से थी, लेकिन यहाँ अब जो है तंत्रिका तंत्र थोड़ा सा विकसित हो जाता है, और इनका तंत्र जो है वो लेडर नुमा, या हम कह सकते हैं लेडर सेप, जिसे हिंदी में कहते हैं सीडी नुमा, लेडर सीडी, तो इनका तंत्रिका तंत्र जो है वो सीडी नुमा होता है। इस तरह इनमें दो नर्व कॉर्ड होते हैं और इस तरह मौजूद होता है, तो सीडी जैसा बनता है, कुछ ऐसा ही इनमें तंत्रिका तंत्र होता है जिसे सीडी नुमा तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और साथ में इनमें गैंग्लियॉन्स भी पाए जाते हैं, गुच्छक, यानी कि बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं एक समूह बनाती है जिसे गैंग्लियॉन कहते हैं। बहुत सारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो एक जगह इकट्ठा होकर गुच्छा बनाती है जिसे गैंग्लियॉन कहते हैं। तो इनके तंत्रिका तंत्र जो है वो सीडीनुमा होता है और इसमें गैंग्लियॉन्स भी पाए जाते हैं, इस तरह का तंत्रिका तंत्र इनमें होता है। नेक्स्ट और बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, इनमें उत्सर्जन कैसे होता है। बहुत सारी एग्जाम्स में सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्सर्जन कैसे होता है प्लेटिहेलमिंथीज में, तो इनमें होता है ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, ज्वाला कोशिकाएं
ज्वाला कोशिका इनमें पाई जाती है। इंग्लिश में कहें इसे फ्लैम सेल्स, फ्लैम सेल्स इनके शरीर में पाई जाती है और उन फ्लैम सेल्स की सहायता से ये अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करते हैं। एक बात और नोट करना, जितने भी उत्सर्जी अंग हैं जीवों में, सभी उत्सर्जी अंग परासरण नियमन का कार्य भी करते हैं। परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन का कार्य करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी कि जल और खनिज लवणों का शरीर में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। बैलेंस किसका, एक तरफ जल है और दूसरी तरफ लवण है, विशेषकर कुछ ऐसे लवण, इनके बीच में ये बैलेंस बनाने का काम करता है, बराबर करने का काम करते हैं। कौन करते हैं, हमेशा उत्सर्जी अंग ही करते हैं। इसीलिए आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य में परासरण नियमन का काम कौन करता है, तो हमारे में उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है, तो किडनी ही श्योर है परासरण नियमन का भी कार्य करेगी। प्राथमिक जो अंग है वो किडनी होती है परासरण नियमक का। तो आपको दिमाग में रखना है कि हर जीव का जो उत्सर्जी अंग है वो ही परासरण नियमन का भी काम करेगा। तो आपसे पूछा जाए प्लेटी एलमथीज में परासरण नियमन का कार्य कौन करता है, तो ज्वाला कोशिकाएं ही करती है, फ्लैम सेल्स ही ये कार्य करती है। नेक्स्ट बात करें, इनमें अब एक नया तंत्र अभी थोड़ा विकसित हो चुका है, इससे पहले हम उसकी बात ही नहीं करते थे क्योंकि यहाँ मीजोडर्म आ गई है, इसी वजह से इनमें पेशियों का निर्माण भी हो गया, यहाँ पेशियाँ पाई जाती है। क्या हमने पोरीफेरा में पढ़ा, नहीं, इसके बाद सेलेंटेटा टीनोफोरा में भी हमने पेशियों की बात नहीं की क्योंकि वो द्विस्तरीय थे, वहाँ मीजोडर्म थी ही नहीं, ये त्रिस्तरीय है, मीजोडर्म बन गई, मीजोडर्म ही बनाती है पेशियां, तो इनमें पेशियां पाई जाती है और इनमें पेशियां जो है वो तीन तरह की पेशियां इनमें पाई जाती है। कौन कौन सी पेशियां होती है, एक तो है लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, अनुदैर्ध्य पेशियां होती है, इसके अलावा जो है वर्तुल पेशियां होती है, वर्तुल सर्कुलर मसल्स, वर्तुल पेशियां सर्कुलर मसल्स होती है, और इसके अलावा इसमें तिर्यक पेशियाएं होती है, तिर्यक पेशियां होती है, ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स इनमें पाई जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार पेशियों का निर्माण हुआ है, कौन से संघ में हुआ है, प्लेटी हेलमिंथीज में। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका जनन तंत्र और उदाहरण हम पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बात करते हैं हम जनन की रिप्रोडक्शन। तो जब भी आप जनन पढ़ेंगे, जनन से संबंधित भी चीज़ें हमें पढ़नी है कि ये एकलिंगी है या द्विलिंगी है, तो इस संघ के जीव जो है अधिकांश द्विलिंगी होते हैं या हम इसे उभय लिंगी भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स, तो अधिकांश जो है वो उभय लिंगी होते हैं, यानी कि एक ही शरीर के भीतर नर युग्मक भी बनते हैं, मादा युग्मक भी बनते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है और वो है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा एक एनिमल है इसी संघ का, ये एक लिंगी होता है। कैसा होता है, एक लिंगी ये होता है। बात करें इसमें जनन कैसे होता है, तो इनमें अलैंगिक जनन भी होता है, इनमें लैंगिक जनन भी होता है, और इनका लैंगिक जनन तंत्र जो है बहुत विकसित प्रकार का होता है। ये भी परजीविकता का एक अनुकूलन है क्योंकि परजीवी रूप में रहते हैं, तो इनका जनन तंत्र विकसित होना बहुत जरूरी है ताकि अपनी पीढ़ियां बनाए रखें, होस्ट के भीतर अपने आप को ख़त्म न कर ले, इसलिए लैंगिक जनन इनमें अच्छा विकसित होता है। जनन के बाद में हम इसी से संबंधित निषेचन पढ़ते हैं कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन श्योर है इनमें कैसा होगा, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। ये भी आप परजीवी से लगा सकते हैं, परजीवी है
किसी जीव के भीतर रह रहा है तो क्या वो अपने युग्मकों को बाहर निकालेगा, बाहर छोड़ेगा? बाहर छोड़ेगा तो वो श्योर है कि होस्ट के एंजाइमों द्वारा पचा दिए जाएंगे। इसलिए निषेचन बाहर होना जरूरी, सॉरी, निषेचन आंतरिक होना जरूरी है, और इनमें निषेचन आंतरिक ही होता है। बात करें इनके परिवर्धन की, परिवर्धन कैसे होता है तो इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनमें पाया जाता है, और जब अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा तो श्योर है बीच में कोई अवस्था बनेगी, अंडे से सीधे वयस्क जैसा नहीं बनेगा, और वो जो लार्वा अवस्था बनेगी, मतलब बाद बीच में क्या बनेगी, लार्वा अवस्था बनेगी। और इनमें लार्वा अवस्थाएं कई होती है, अनेक होती है, बहुत सारी लार्वा अवस्था इनके बीच में होती है। जैसे एक आधे नाम आपको याद रखने हैं, जैसे है मीरासीडियम, मीरासीडियम है, जैसे स्पोरोसिस्ट है, स्पोरोसिस्ट, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, तो ये कुछ लार्वा अवस्थाओं के नाम है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको केवल जनरली बता रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। केवल इतना याद रखना है अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें मध्य में अनेक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इस तरह की कई अवस्थाएं बीच में होती है, लार्वा अवस्थाएं होती है। इनमें जैसे प्लेन एरिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, प्लेन एरिया में परिवर्धन पुनरुद्भवन जो है उसकी अपार क्षमता होती है। किसमें? प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया जो है उसमें पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। अपार क्षमता यानी कि जिसका पार ही न पाया जा सके, इतनी सारी प्लेन एरिया को अगर आप, कुछ इस तरह का प्लेन एरिया एनिमल होता है, कुछ इस तरह का ये जीव होता है, इसमें कुछ यहाँ ऐसे संरचना नजर आती है आंखें सी, अगर आप इसे इस तरीके से चार भागों में काटते हो तो चारों नए प्लेन एरिया बन जाते हैं। अगर आप ऐसे काटते हो तो इसके भी दोनों भाग दोनों नया जीव बना लेते हैं। तो बहुत अच्छी इनमें अपार क्षमता होती है पुनरुद्भवन की। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो हमने इसको पढ़ते पढ़ते इसके जो मुख्य उदाहरण है वो हमने सब पढ़ लिए हैं। जैसे ये पहला उदाहरण है प्लेनेरिया, पहले हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये कैसा होता है, मुक्त जीवी होता है, ये परजीवी नहीं होता है। प्लेन एरिया फ्री लिविंग है, अंतः परजीवी या किसी तरह का परजीवी ये नहीं है। इसके अलावा और उदाहरण हमने एक पढ़ा फेशियोला, फेशियोला हिपेटिका, बहुत महत्वपूर्ण है। फेशियोला को लीवर फ्लूक कहते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं, हिंदी में कहें तो इसे यकृत कृमि कहते हैं, एनसीईआरटी में इसे कुछ इस तरीके से लिखा है, इसे पर्ण कृमि लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे भी याद कीजिए, फैसियोला हिपेटिका, जिसे लीवर फ्लूक या पर्ण कृमि कहते हैं। ये फैसियोला हिपेटिका जो है वो शीप और स्नेल इन दो जीवों में अपना पूरा जीवन यापन करता है। इसका जो प्राथमिक होस्ट जो है वो तो शीप है, परजीवी है फेसियोला, मुख्यतः लीवर में रहता है, किसके? भेड़ में। प्राथमिक उसका जो होस्ट है वो शीप है, भेड़ है, और दूसरा स्नेल से मोलस्का का एक जीव है स्नेल, उसके भीतर ये अपना आधा जीवन पूरा करता है। इस तरह दो जीवों में ये अपना जीवन पूरा करता है फेसियोला हिपेटिका। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा उदाहरण जो मनुष्य में पाया जाता है और वो है टीनिया, टीनिया, टीनिया को टेप वॉर्म कहा जाता है, फीता कर्मी, टेप वॉर्म,
जैसे फीता होता है ना बहुत बड़ा, वैसे ये भी फीता होता है। फीता भी पृष्ठधर से चपटा होता है। तो ये टेप वॉर्म्स हमने पढ़े, प्लेटिहेलमिन्थीज के सारे पृष्ठधर से चपटे होते हैं, फीता भी चपटा होता है, इसलिए इसे फीता कृमि या टेप वॉर्म नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया इसे? फीता कृमि। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य में अंतः परजीवी है। ध्यान यहाँ ये भी रखना है, टीनिया भी दो जीवों में अपना जीवन पूरा करता है। किस किस में? प्राथमिक तो जो है वो मनुष्य है, मनुष्य में प्राथमिक जीवन पूरा करता है फर्स्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है सुअर, पिग में ये अपना अन्य जीवन जो बाकी जीवन है वो पूरा करता है। तो इसका प्राथमिक जो पोषद है, प्राइमरी होस्ट मनुष्य है, सेकेंडरी होस्ट सुअर होता है। सुअर के कच्चे मांस के खाने से ये टीनिया, अगर सुअर इन्फेक्टेड होगा तो सुअर के कच्चे मांस खाने से मनुष्य में पहुंच जाता है, और मनुष्य में टीनिया की वजह से टीनियसिस रोग हो जाता है। देखो टीनिया से ही रोग का नाम पड़ा, और उसका नाम है टीनियसिस। टीनियसिस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, टीनियसिस किससे होता है? तो नाम से ही जाहिर है, टीनियसिस टीनिया से ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने प्लेटिहेलमिन्थीज कंप्लीट किया है। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। अगर वीडियो आपने पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, और हाँ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।